हाई ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माई चैनल योर ब्यूटी रूम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है नेल क्लास 5 वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा नेल एक्सटेंशंस करने के लिए, वो होता है नेल प्रिपरेशन का। नेल प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने नेल प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो आपके नेल्स डेफिनेटली लिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट्स के नेल्स भी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक चलें, आप उनमें रिफिलिंग करें, तो आप उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना होगा वो होगा नेल प्रिपरेशन पर। अगर आपने नेल प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए तो डेफिनेटली नेल्स निकलेंगे। इवन आप जब जेल पॉलिश का एप्लीकेशन भी कर रहे हैं तभी भी नेल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि कैसे आपको नेल प्रिपरेशन करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमको रिमूव करनी है नेल पॉलिश, जो भी क्लाइंट के हाथ पे अगर उन्होंने जेल पॉलिश लगाई है तो वो भी आपको रिमूव करनी होगी। उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगी कभी कि जेल पॉलिश कैसे रिमूव करते हैं जैसे जैसे हम क्लासेस में चलते जाएंगे। बट यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल मैट नेल पॉलिश लगाई हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमूव करनी है वो जेल पॉलिश, एंड उसको अच्छे से रिमूव करना है आपको विद द हेल्प ऑफ जो भी आपको लगता है एसीटोन है या फिर नॉन अल्कोहलिक एसीटोन है, जो भी चीज़ आपके पास है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। देन सेकेंड स्टेप जो है इसमें वो है नेल को कट करना। अगर क्लाइंट नेचुरल नेल पर ही जेल पॉलिश एप्लीकेशन कराना चाहते हैं तो नेल्स को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको उसको शेप कर देना है जो भी क्लाइंट के डिज़ायर्ड शेप रहेगी। बट यहाँ पर इनके नेल एक्सटेंशंस हो रहे हैं तो यहाँ पर जो भी फ्री एज नेल है वो हमको कट करना है। क्यों कट करना है? क्योंकि फ्री एज नेल अगर नीचे से ग्रोथ आती रहेगी तो ऊपर से हम एक्सटेंशन करेंगे तो वो बहुत गंदा दिखाई देता है। सो हमें उसको प्रॉपरली कट करना है सो दैट कि जैसे जैसे नेल बढ़े तो नीचे का नेल भी फिर धीरे धीरे ही बढ़ेगा। एंड कई बार होता है कि पूरा प्रॉपरली टिप्स उस पर बैठ नहीं पाती है, अगर फ्री एज नेल है, अगर लॉन्ग है तो उस पर जो हम टिप्स स्टिक करते हैं तो वो उस पर भी प्रॉपरली स्टिक नहीं हो पाती है। सो वी हैव टू कट द फ्री एज नेल। जब फ्री एज नेल कट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने बफर की हेल्प से, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 100x180 का बफर, बफर की हेल्प से जो भी साइड्स में जो भी रिजेस आते हैं, जो शार्प रिजेस आते हैं, उसको एकदम गोलाई में हमको शेप कर देना है दोनों हाथों के। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉर्नर से लगें, स्किन पे चुभें, तो वी हैव टू शेप देम कम्प्लीटली इन अ राउंड शेप। फिर थर्ड स्टेप आता है क्यूटिकल्स को पुश बैक करना। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी क्लाइंट है जिसकी एज कम है, लाइक इफ शी इज़ अंडर 18 या नो, जिनके बहुत कम क्यूटिकल्स होते हैं, तो उनको आपको क्यूटिकल्स, जिनके हाथ बहुत सॉफ्ट हैं उनको आपको क्यूटिकल्स को पुश बैक करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। बट अगर कोई क्लाइंट है जिसके क्यूटिकल्स बहुत हार्ड हैं और वो स्टिक हो रखे हैं नेल्स पे, तो यू हैव टू डेफिनेटली पुश बैक द क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स सिर्फ पीछे की साइड से ही नहीं पुश करने, हमको साइड से भी क्यूटिकल्स को क्लीन करना है। ये जो साइड वॉल्स रहते हैं नेल प्लेट के, उससे भी हमको क्यूटिकल्स को रिमूव करना है, क्योंकि जब हम उस पर जेल या एक्रेलिक एप्लीकेशन करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि वो क्यूटिकल में फ्लो हो जाए। अगर क्यूटिकल ही नहीं होगा तो फ्लो भी नहीं होगा। जब हमने पुश बैक कर लिया है उसके बाद हम लोग ड्रिल की हेल्प से, दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूटिकल ड्रिल बिट, जो आगे से थोड़ी सी पतली होती है, उससे हमको जो भी साइड में क्यूटिकल्स हैं जो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो भी है, वो हमें इसको पहले बफ करना है बहुत कम स्पीड पे, एंड उसके बाद हम उसके जो क्यूटिकल्स है, क्योंकि स्पेस बन जाएगा फिर हमारे पास अच्छे से रिमूव करने के लिए, तो हम फिर क्यूटिकल्स को ईजिली कट कर पाएंगे। अभी आप डायरेक्टली कट करने के लिए जाओगे तो हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा पेन हो इस तरीके, क्योंकि जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो हमारा क्यूटिकल एरिया क्लीन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको कोई नहीं बताएगा। इनफैक्ट इंडिया में देयर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग क्यूटिकल्स। लोग ऐसे ही डायरेक्ट आपको नेल एक्सटेंशन कर देते हैं और फिर विद इन 15 डेज, विद इन 10 डेज आपके नेल्स भी बाहर आ जाते हैं। बट जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनको पता है कि क्यूटिकल्स को रिमूव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यूटिकल्स को रिमूव करना हार्मफुल होता है। इन फ्यू केसेस इट कैन बी हार्मफुल, क्योंकि अगर क्यूटिकल पे कट लग गया तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है एंड ऑल। बट हमको ध्यान रखना है कि कट वगैरह कुछ नहीं लगाना है क्लाइंट को। जब आपने वो एरिया क्लीन कर लिया है ड्रिल की हेल्प से, तो अब आप क्यूटिकल्स को इजीली कट कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में कि ये नेल जो भी क्यूटिकल कटर है या क्यूटिकल निपर आता है, उसकी हेल्प से हमको इसको कट कर देना है बहुत स्लोली, ताकि क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन नहीं हो। आप देखेंगे 2 फिंगर में क्यूटिकल एकदम क्लीन हो गया। एंड क्यूटिकल क्लीन करने का एक और हमारा जो रीज़न होता है वो ये है कि जब हम क्यूटिकल्स को रिमूव करते हैं, पुश बैक करते हैं, तो हमारे नेल में एक स्पेस आ जाता है। मतलब जो हमारा नेल बेड है वो, क्योंकि क्यूटिकल होता है तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बट जब हम क्यूटिकल को रिमूव कर देते हैं ना, तो हमको एक स्पेस मिल जाती है नेल पे वर्क करने के लिए, तो नेल बेड काफ़ी बड़ा लगता है और बहुत अच्छा दिखता है। उन लोगों का तो बहुत अच्छा लगता है जिनके नेल बेड बहुत छोटा है, क्योंकि कम वहाँ पे अच्छे से थोड़ी सी स्पेस बन जाती है। सो क्यूटिकल्स को कट करना है विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल निपर, एंड ये काम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना है। इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड देन डोंट डू इट, क्योंकि यू कैन कट द स्किन ऑफ द क्लाइंट और वो बहुत पेन हो, फिर पूरे प्रोसेस में पेन रहेगा। लाइक जब भी आप उस पर एसीटोन लगाएंगे या जब भी आप उस पर जेल करेंगे, उसको लैम्प के अंदर रखेंगे, तो वो हमेशा पेन करेगा। इसलिए क्लाइंट का जो क्यूटिकल है या फिर जो स्किन है उस पर बिल्कुल भी कट नहीं आना चाहिए। यू शुड बी प्रोफेशनली ट्रेन फॉर दैट। जब आपने क्यूटिकल्स को अच्छे से कट कर लिया विद, देन हम लोग नॉन अल्कोहलिक वाइप से या फिर नॉन अल्कोहलिक एसीटोन से हम लोग उसको वाइप करेंगे नेल को, ताकि हमें प्रॉपरली एक क्लीन कैनवास मिल जाए। अभी देखेंगे जो भी छोटा मोटा रह गया होगा ना क्यूटिकल पे, वो भी क्लीन हो जाता है वाइप ऑफ करने से। नाउ स्टेप 4 इज़ टू रिमूव द नेचुरल शाइन ऑफ द नेल। तो इसको हम करेंगे एक किसी भी ब्लॉक बफर की हेल्प से, उसकी नेचुरल शाइन को रिमूव करेंगे। आप एम्ब्री बोर्ड से भी कर सकते हो, जो मैंने बफर आपको पहले दिखाया, बट उससे बहुत ज़्यादा हार्श रिजेस आते हैं, तो आप इस तरीके के ब्लॉक बफर्स ले सकते हो एंड ये बहुत सस्ते भी आ जाते हैं। तो इनसे आपको नेचुरल शाइन को रिमूव करना है। नेचुरल शाइन हम क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन करना है तो वो एक प्लेन रहेगा तो वो बहुत जल्दी निकलेगा, थोड़े से रिजेस होंगे तो हमें एक फ्रिक्शन मिलेगी। उसके बाद जो भी नेचुरल शाइन को जो हम रिमूव कर रहे थे, तो जो भी नेल का जो डस्ट है वो इससे हमको क्लीन कर देना है, अगेन विद द हेल्प ऑफ नॉन अल्कोहलिक एसीटोन। सो गाइज, नाउ फाइनल स्टेप इज़ टू अप्लाई डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने जो भी अभी जो नेल बफ किया है उससे जो है ना नेल्स का नेचुरल ऑयल बाहर आ जाता है। तो जब नेचुरल ऑयल आ जाएगा हमारे नेल बेड पे, तो जब भी हम टिप्स को चिपकाएंगे उस पे अप्लाई करेंगे, तो वो अच्छे से ग्लू अप नहीं होंगे, ग्लू नहीं होगा। उस टाइम आपको दिखता नहीं है, वो आईज से विजिबल नहीं है, बट लेटर ऑन उसमें से ऑयल आता है, इसलिए हम लोग उस पर डिहाइड्रेटर लगाते हैं। डिहाइड्रेटर लगाने से पूरा नेल एकदम डिहाइड्रेट हो जाता है, कोई मॉइस्चर या ऑयल नहीं रहता है, एंड स्टिक्स एंड जो नेल टिप्स हैं वो बहुत अच्छे से स्टिक होती हैं। वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी, दैट हाउ टू मेजर योर नेल टिप्स एंड हाउ टू अप्लाई देम, एंड फिर हम लोग जेल एक्रेलिक जो भी आगे के एक्सटेंशन के क्लासेस हैं वो हम करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नेल्स, आपके नेल्स हो या आपके क्लाइंट के नेल्स हो। इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग जेल पॉलिश ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर योर नेल्स लाइक दिस ओनली। इसके अगर आपने अपने नेल्स इस तरीके से प्रिपेयर करोगे कि, तो 50% चांसेस आपके वहीं पर कम हो जाएंगे नेल्स को लिफ्ट ऑफ होने के या नेल्स को निकलने के। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, एंड डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ यशिका गौतम। वहीं पर मेरा दूसरा पेज भी है, योर ब्यूटी रूम का जो इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट पेज एज वेल। एंड
मैं मिलूंगी आपको एक और नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।